तो चलिए देखते हैं कि मैकबुक के अंदर हम अपना पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए मैं कमांड स्पेस बार के ज़रिए सर्च करूँगा सेटिंग। तो ये नीचे सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन आ चुका है, मैं इसे एंटर करूँगा तो मेरे पास सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। मेन्यू के अंदर आपने आना है यहाँ पे टच आईडी और पासवर्ड के अंदर। इसको क्लिक करते हैं तो पासवर्ड के नीचे अ लॉग इन पासवर्ड हैज़ बीन सेट फॉर दिस यूज़र, मतलब कि पहले से इस मैकबुक पे एक पासवर्ड लगा हुआ है। अब मैं उसको चेंज करता हूँ। चेंज के बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होगी और इसके अंदर मुझे पहले ओल्ड पासवर्ड देना है, फिर न्यू पासवर्ड और फिर उसी न्यू पासवर्ड को वेरीफाई करना है। तो पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना ओल्ड पासवर्ड। न्यू पासवर्ड के अंदर मैं अपना नया पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको अपना नया पासवर्ड दे दिया है। अब इसी को मैंने वेरीफाई करना है। पासवर्ड हिंट के अंदर आप चाहें तो अपना पासवर्ड हिंट दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं अभी के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हिंट रखने लगा हूँ। उसके बाद आपने चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो वो कहते हैं आप पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड मुकम्मल नहीं दिया था, तो मैं इसको मुकम्मल करता हूँ। मतलब कि मेरा पासवर्ड 4 डिजिट था, मैंने यहाँ पे 3 डिजिट पुट किए हुए थे। अब मैं दोबारा से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो कुछ देर के अंदर ये मेरा पासवर्ड सेट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।